उधर पंजाब विच कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटिया 2,210 नवे केस सामने आए ने। पंजाब विच कोरोना का कहर लगातार बनिया होया है। बीते 24 घंटिया 2,210 नवे केस सामने आए ने। एक दिन के अंदर कोरोना करके 65 मरीजों की मौत हो गई है। सूबे विच इस वेले एक्टिव केसां दी गिनती 23,731 हो गई है। सो पंजाब विच कोरोना का कहर एक बार फिर तो जबरदस्त तरीके दे नाल वेखण नूं मिल रहा है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ वादा जिहड़ा दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटिया 2,210 नवे केस सामने आए हैं। दिन के अंदर 65 मरीजों की मौत जिहड़ी है कोरोना करके हुई है, जो वड्डी चिंता का विषय बनी हुई है। इस वेले सूबे विच एक्टिव केसां दी गिनती 23,731 हो गई है। और पंजाब विच सही तरीके दे नाल कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने इस नूं लैके अपनी फिक्र जताई है ते कहा है कि पंजाब विच सही तरीके दे नाल कोरोना टेस्ट जिहड़े ने ओह नहीं हो रहे ने। पंजाब विच कोरोना मरीजां नूं फौरन क्वारंटीन नहीं किया जा रहा, यह सेहत मंत्रालय का कहना है। उन्हें कहा कि सही टेस्टिंग ना होने करके हालात बद तो बदतर पंजाब च होंदे जा रहे ने। नाल ही उन्हें चिंता जाहिर करदे कहा है कि पंजाब तेजी नाल कोरोना पॉजिटिव केसां दे विच वाधा होया है, जो एक वड्डी चिंता का विषय बनता जा रहा है। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है, इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। पंजाब में फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 8 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर 52 मृत्यु प्रतिदिन हो गया है। और पंजाब विच कोरोना का कहर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो लुधियाना विच पिछले 20 मार्च तो हुण तक 3,500 तो वध मामले सामने आ चुके हैं, जिसनूं वेखदिआं प्रशासन वल्लों हुण सख्ती की जा रही है। मॉडल ग्राम इलाके का कुछ हिस्सा कंटेनमेंट जोन ऐलान दिता गया है, क्योंकि इस इलाके विच 10 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। देश के कई सूबे दे विच एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार फड़ी है, कई चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं और कई सूबे दे विच जिहड़ा है ये आंकड़े जदों दे सामने आ रहे हैं, प्रशासन भी सख्त आ, सरकारां भी सख्त आ, पर पंजाब दे विच भी हालात कोरोना के आंकड़िया के नाल चिंताजनक है। लुधियाना की गल करिए, लुधियाना दे विच तुसीं इह इलाका देख रहे हो, ये मॉडल ग्राम का इलाका, और एक बार फिर वो तस्वीर सामने आ रही है जिहड़ी पिछले साल मार्च में शुरुआत हुई सी, और जिहड़े जिहड़े इलाकों दे विच कोरोना वायरस के मरीज आते सी उन्हां नूं सील कर दिता जांदा सी इलाकियां नूं, हुण इहनूं भी कंटेनमेंट जोन जिहड़ा है वह सील कर दिता गया इत्थे, क्योंकि कोरोना के जिहड़े मरीज सामने आने तो बाद सेहत विभाग ने इहनूं पूरी तरह सील कर दिता। 10 के करीब दस्या जा रहा कि इस इलाके दे विच जिहड़े कोरोना के मरीज सामने आए हैं, पर यह इलाका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू जिहड़े हैगे ने उन्हां दा इलाका, और थोड़ी दूरी 400 मीटर की दूरी पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू का घर है। सो लुधियाना दे विच जिहड़ी स्थिति है कोरोना की वह काफ़ी चिंताजनक है। पिछले अगर 20 तरीक दो मार्च तो गल करिए, तो अज तक कोरोना के 3,500 तो उपर मामले आ चुके हैं 10 दिन 11 दिनों के, और तकरीबन जिहड़ियां मौतां ने वो मौतां का आंकड़ा भी जिहड़ा है वह 100 के करीब 20 मार्च तो लैके अज तक पहुँच चुक है। सो जिस तरह के नाल कोरोना की चैन बन रही है, ये आने वाले दिनों के काफ़ी चिंताजनक है। असं इस तरह आंकड़े की जानकारी तुहानू देंदे रहांगे, कोरोना के नाल खबरां जिहड़ियां ने वो तुहाडे तक पहुँचाते रहांगे। कैमरामैन कुमार नवीन के नाल नवीन शर्मा, PTC News, लुधियाना।